बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि केंद्रीय मंत्री रहते कमलनाथ ने चीन को लाभ पहुंचाया और ये देश के साथ गद्दारी करने जैसा है। शर्मा ने कहा कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को भी भ्रष्टाचार में डुबो दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिस तरह से चीन को फायदा पहुंचाया और 40 से लेकर 200 फीसदी तक आयात शुल्क ड्यूटी में छूट दी, इससे छोटे लोगों के कुटीर उद्योग खत्म हो गए। इतना बड़ा अपराध कमलनाथ ने वाणिज्य मंत्री रहते हुए किया। कमलनाथ चीन के दलाल और कमलनाथ देश के गद्दार के रूप में नजर आए हैं। कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने चीन के साथ जिस प्रकार का डीलिंग किया, दुर्भाग्य का विषय है कि जब वो वाणिज्य मंत्री इस देश के अंदर थे उस समय चीन के साथ मिलकर के उन्होंने 40% से लेकर 200% तक आयात शुल्क में जो लोगों को छूट देने का काम किया, ऐसे लगभग देश के अंदर 250 उत्पाद जो चाइना के हैं और उसके कारण से देश की जो हमारी छोटे छोटे लोग जो काम करने वाले थे, वो लकड़ी का काम करने वाले होंगे, मिट्टी के हमारे अलग अलग प्रकार के काम करने वाले लोग होंगे, बांस का काम करने वाले लोग होंगे। दुर्भाग्य है कि बांस की ड्यूटी को 10% जो लगती थी उसको 3% कर दिया और हमारे बसोड़ समाज के ऐसे जो मित्र हैं, हमारे इस प्रकार के छोटे काम करने वाले जो लोग हैं जिनका आज आप देखते होंगे कि पूरे देश के अंदर अगर इस प्रकार की जो छोटे काम करने वाले लोग देश के अंदर जो खत्म हो रहे थे उसके पीछे कमलनाथ जैसे वाणिज्य मंत्री का हाथ रहा, इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लोगों की आजीविका समाप्त हो गई। जो आप चाइना के दलाल के तौर पर आज देश की जनता आपको देख रही है, आपको देश की गद्दारी के तौर पर जनता देख रही है, आप अगस्ता वेस्टलैंड के घोटाले में और आपके भांजे रातुलपुरी ने जो 787 करोड़ का बैंक घोटाला किया जिसके लिए छापा पड़ा, आप चुप क्यों हैं? वाले उपचुनाव में तो पूरा मुद्दा ही यही है। कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबोया, दिग्विजय सिंह की छाया में डुबोया, दिग्विजय सिंह के इशारे पर मध्य प्रदेश को बर्बाद किया और पूरे मध्य प्रदेश के पैसे को छिंदवाड़ा लेकर के चले गए, तो ये सारी चीजें तो मुद्दे के अंदर है ही। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इन्होंने इस देश चाइना के साथ मिलकर के इस देश के साथ गद्दारी की है केवल गांधी घराने को लाभान्वित करने के लिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।